गर्ल्स कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ना विशाल, आप है अपार ज्ञान। और आज जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो से बिजनेस दिखाने वाला हूं, वो है डंबल प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। जो कि डंबल प्लेट हम सब जिम में यूज करते हैं, जिम में सारी डंबल प्लेट्स की यूज होती है, रॉड्स की यूज होती है। आज देखेंगे वो कैसे बनती है, उसका बनने का प्रोसीजर। और वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखना। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट कर देना मेरे को इससे रिलेटेड। बाकी जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मैन्युफैक्चरिंग से और होलसेल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर, और मिलते हैं बिजनेस के ऑनर से और पूछते हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में। तो हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ कंपनी के अंदर और मेरे साथ इस कंपनी के जनरल मैनेजर। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर, वेलकम टू माई चैनल। थैंक्स। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम, कंपनी नेम और आप कौन कौन से वैरायटी प्रोडक्ट में डील करते हैं वो बताएं। मेरा नाम दीपक सिंह एंड कंपनी नेम अर्थ फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ डंबल प्लेट्स, कैटलबेल्स, विनाइल डंबल्स, रबर फ्लोरिंग एंड एनी काइंड्स ऑफ सीआई कास्टिंग्स। ओके। और सर, अगर ब्रांड्स की बात करूं, आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिसमें आप डील करते हैं? ब्रांड्स हमारे तीन ब्रांड हैं, फॉरएवर, क्रेवन फिट एंड फिटोन। ठीक है। और सर, हमारा एड्रेस क्या होने वाला है? हमारा हेड ऑफिस है नागलोई में, नागलोई दिल्ली में, एंड हमारी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सोनीपत हरियाणा में। अच्छा। और सर, हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी वैरायटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, में क्या क्या शेप साइज आते हैं, थोड़ा इलाबोरेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। वैरायटी में हम डंबल्स में दो तरह के डंबल्स बनाते हैं, हेक्स डंबल्स एंड राउंड डंबल्स। ओके। राउंड डंबल्स में हम तीन चार तरह के डंबल्स बनाते हैं, जैसे पीयू कोटेड, ओके, एंड सेकंड रबर कोटेड, थर्ड पीवीसी कोटेड एंड विनाइल डंबल्स, दिस वन। ओके। एंड इन प्लेट्स वी मेकिंग रबर मोल्डिंग प्लेट्स, ओके, रबर कोटिंग, राउंड प्लेट्स, हेक्स प्लेट्स एंड सेवन होल प्लेट्स एंड विनाइल कैटलबेल्स। ठीक है। एंड वी आर मैन्युफैक्चर आल्सो एंड इन मैट। अच्छा, मतलब आप मैट्स बनाते हैं? मैट्स बनाते हैं। अच्छा, तो सर हमने आपके सारे प्रोडक्ट्स देखे जो आप बनाते हैं, एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बनने का प्रोसीजर कैसे है, कैसे बनती है? प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल सीआई कास्टिंग होती है इसकी। अच्छा। जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दो यूनिट है, फर्स्ट सेकेंड यूनिट में सीआई कास्टिंग होती है अपनी। ओके। सीआई कास्टिंग होने के बाद हमारी फर्स्ट यूनिट में आती है जहाँ पे डंबल्स तैयार होते हैं, डंबल्स, प्लेट्स, सारी चीजें तैयार होती हैं। फर्स्ट यूनिट मतलब आपका जो मोल्ड होके उनकी शेप आती है। हाँ, शेप आती है, कास्टिंग होती है। अच्छा। और उसको शेप दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद अपनी इस फर्स्ट यूनिट में आती है जहाँ पे डंबल्स पूरा तैयार होता है। ओके। उसमें कास्टिंग्स हमारी पहले टूल रूम में आती है। ओके। फर्स्ट यूनिट में टूल रूम डिपार्टमेंट में। अच्छा। टूल रूम डिपार्टमेंट में हम वेट सेट करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम तीन डिपार्टमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डंबल्स के लिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग डिपार्टमेंट्स एंड प्लेट्स के लिए रबर मोल्डिंग डिपार्टमेंट्स, विनाइल डंबल एंड कैटलबेल के लिए विनाइल डिपार्टमेंट्स। अच्छा। जहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे तैयार होते हैं, फिनिशिंग होती है और स्पेशली हम एक्यूरेसी एंड वेट पे ज्यादा फोकस करते हैं, वेट, एक्यूरेसी एंड फिनिशिंग। अच्छा। इसलिए हमारा मतलब ज्यादा फोकस इन पे होता है, क्वालिटी की चीजें बनाते हैं हम। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हाँ जी, बेस्ट क्वालिटी के डंबल्स, प्लेट्स बनाते हैं। उसके बाद सर, और बनने के बाद? बनने के बाद हमारे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाता है मटेरियल, डंबल, प्लेट्स, कैटलबेल। ओके। पैक होता है। ओके। और पैक होने के बाद हमारे सेल्स डिपार्टमेंट जो कि अपना नागलोई दिल्ली में है, ओके, वहाँ पे भेजा जाता है। फिर वहाँ से हम पूरे जहाँ से डिमांड आती है पूरे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे सप्लाई है। ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं और अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सप्लाई है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। तो सर, एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर्स हो जी, तो आप होलसेल में बी टू बी में डील करते हैं या फिर रिटेल में भी डील करते हैं? नहीं, होलसेल बी टू बी में ही डील करते हैं। अच्छा, मतलब आपका प्योरली होलसेल बिजनेस है? हाँ जी, प्योरली। तो होलसेल में भी एक क्वेश्चन में माइंड में आ रहा है, मिनिमम कितनी क्वांटिटी है जो आप एक बार में एक मांगे, कितनी क्वांटिटी आप देते हैं? मिनिमम क्वांटिटी 500 पर केजी होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम क्वांटिटी 500 केजी होनी ही चाहिए। हाँ। अच्छा। और सर, अगर सप्लाई की बात करूँ तो कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते हैं?
सप्लाई ऑल ओवर इंडिया होती है, हर जगह हमारे डीलर्स हैं। अच्छा, और सर एक्सपोर्ट भी होता है? एक्सपोर्ट भी, हाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा बहुत अच्छी चीज़ है सर। और मैं अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ, हमारे नंबर ऑफ प्लेट्स की प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस क्या है सर, तो क्या रेंज आती है हमारी? प्राइस 70 रुपीज पर के जी प्लस GST से स्टार्ट होता है। ओके, और 130 रुपीज पर के जी प्लस GST तक जाता है, मतलब 70 to 130 पर के जी GST के साथ। हाँ जी। अच्छा, अगर सर इसमें ना बहुत लोग कहते हैं कि, बहुत लोग जो बायर्स हैं वो कहते हैं कि हमें कस्टमाइजेशन करानी है, तो कस्टमाइजेशन अवेलेबल है? हाँ, कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी है, अवेलेबल है। कस्टमाइज हम क्लाइंट के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन हो जाएगा। हाँ जी, कस्टमाइजेशन है। ओके सर, एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, किसी को आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कैसे कर सकता है वो बताओ। हाँ, फ्रेंचाइजी ले सकता है। अच्छा, क्लाइंट फ्रेंचाइजी अगर उस एरिया में अवेलेबल है तो। अच्छा, अगर पहले से ही फ्रेंचाइजी हमने किसी को दे रखी है उस एरिया में, ओके, तो उस एरिया से उसको फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती। अच्छा, डिफरेंट एरिया से ले सकता है फ्रेंचाइजी, मतलब आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है। अगर किसी ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करा और आपसे होलसेल में डील कर रहा है, तो कितने परसेंट ऑफ मार्जिन है जो एक कोई पर्सन है वो अर्न कर सकता है? 10 to 20% प्रॉफिट अर्न कर सकता है वो। अच्छा, तो मतलब एवरेज 10 to 20% जो प्रॉफिट मार्जिन रख के वो आगे चलो आउट कर सकता है। तो गाइस देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर के थ्रू, सर से होलसेल में लेकर डील कर सकते हैं। बाकी सर इन द एंड मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, अगर किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना है तो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है वो बताएं? कॉन्टेक्ट के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकता है, www.earthfitness.com। ओके, एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकता है हमसे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9810658015। ओके, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सर की मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल लोकेशन डाल दूंगा, तो कोई किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिम से रिलेटेड, जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, तो आप फ्रीली आप सबसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी सर थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपने हमारे साथ, उसके लिए बोलो थैंक यू। वेलकम।